हेलो डियर स्टूडेंट्स तो आइए बेटा देखिए हमने लास्ट वीडियो में पीएन जंक्शन के बारे में पढ़ा था पीएन जंक्शन डायोड तो पीएन जंक्शन डायोड या यूं कहें सेमीकंडक्टर डायोड ये उसका रिप्रेजेंटेशन है अगर इसको हमने सिंबल देखें इस पीएन जंक्शन में देखिए ये पी साइड थी एक एन साइड बीच में डेपलीशन लेयर ठीक है इधर मेटेलिक कंटेक्ट लगे होते हैं ठीक है जिसके साथ कनेक्शन प्रोवाइड किया जाता है अब इसका एक सिंबल है बेटा पी एन का ये सिंबल है इस पी एन जंक्शन डायोड का या सेमी कंडक्टर डायोड का ये सिंबल होता है कुछ इस तरीके से क्लियर तो ये जो होती है ये तो पी साइड होती है और ये है एन साइड ये याद रखना है आपको दिस इज नोन एज द पी साइड ऑफ द सेमी कंडक्टर एंड दिस इज नोन एज द एन साइड ऑफ द सेमी कंडक्टर दिस इज़ द सिंबल फॉर पीएन जंक्शन डायोड तो चलिए अब हम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं इज़ द बाइसिंग ऑफ़ पी एन जंक्शन डायोड तो देखिए बेटा अब करते हैं हम स्टार्ट बाइसिंग ऑफ पी एन जंक्शन तो ये दो टाइप की होती है बाइसिंग फॉरवर्ड बाइसिंग और एक रिवर्स बाइसिंग एक्चुअली बाइसिंग में होता क्या है हम एक पीएन जंक्शन डायोड को बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो उसको बोला जाता है बाइसिंग ऑफ द पीएन जंक्शन क्लियर है तो ये दो टाइप की है बेटा एक तो फॉरवर्ड बाइसिंग और एक रिवर्स बाइसिंग तो चलिए अब समझते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग क्या है देखिए जब एक पीएन जंक्शन डायोड को ये हमारे पास पीएन जंक्शन डायोड है इसमें पी साइड को पॉजिटिव से जोड़ा जाए और एन साइड को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ा जाए तो हम इसे कहेंगे फॉरवर्ड बायसिंग क्या बोला जाता है बेटा इसको फॉरवर्ड बायसिंग वेन द पी साइड ऑफ ए सेमी इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव ऑफ द बैटरी

इसके बारे में अभी हम आपको बताएंगे पहले आपको इन दोनों के बारे में समझना है क्लियर है देखिए जरा जो फॉरवर्ड फॉरवर्ड में है ये हमारी वोल्टेज जो हमने अप्लाई करी है और ये होती है इसमें लेयर के अक्रॉस जो पोटेंशियल बैरियर होता है क्या है ये पोटेंशियल बैरियर अब पी साइड की तरफ नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा एन साइड की तरफ इधर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा क्लियर है तो यहां पर एक हाइपोथेटिकल बैटरी डेवलप हो जाती है जिसमें नेगेटिव टर्मिनल इस तरफ है पॉजिटिव इस तरफ इसका नेगेटिव देखिए इस बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इस साइड है हमने जो अप्लाई करी है उसका पॉजिटिव टर्मिनल इस साइड है तो दोनों की डायरेक्शन क्या है अपोजिट है दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे से क्या है अपोजिट है क्लियर है तो यहां पर क्या है बेटा जो फॉरवर्ड बाइसिंग में जो फॉरवर्ड वोल्टेज है जो हमने अप्लाई करी है और जो बैरियर वोल्टेज है फॉरवर्ड वोल्टेज और बैरियर वोल्टेज दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं दोनों एक दूसरे के क्या हैं अपोजिट है। से जो बैरियर की हाइट है वो कम हो जाती है या यूं कहें डेपलिशन लेयर की विध घट जाती है देखिए यहां तक थी पहले डेपलिशन लेयर अब यहां से घटके इधर आ चुकी है और यहां से घटके इधर आ चुकी है क्लियर है तो फॉरवर्ड बाइसिंग में जो फॉरवर्ड वोल्टेज है और जो हमारी पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज है पोटेंशियल बैरियर है ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं जिसकी वजह से हम कहेंगे पोटेंशियल बैरियर की हाइट कम हो चुकी है देखिए वोल्टेज यहां से पोटेंशियल बैरियर कुछ इस तरीके से था पहले अब वो रिड्यूस होकर के कम हो चुका है वी बी माइनस वी वीबी तो क्या है जो वोल्टेज यहां पर थी और वी जो हमने अप्लाई करी है वो ये वोल्टेज है क्लियर है तो अब जो इफेक्टिव वोल्टेज है बैरियर के अक्रॉस वो पहले से कम हो चुकी है और दैट इज वी बी माइनस वी क्या होगी वो वी बी माइनस वी क्लियर है तो यहां पर देखिए जरा इन द फॉरवर्ड बायसिंग फॉरवर्ड वोल्टेज अपोज इज द पोटेंशियल बैरियर फॉरवर्ड वोल्टेज ने पोटेंशियल बैरियर को अपोज किया इसीलिए पोटेंशियल बैरियर की हाइट रेड्यूस हो गई है एंड विड्थ ऑफ डेपलिशन और जो पोटेंशियल बैरियर की हाइट है अब वो कितनी है वी बी माइनस वी क्लियर है समझ में आया अच्छा अब देखिए जरा आप यहां पर क्या है जो इलेक्ट्रॉन है एन रीजन के अंदर एन रीजन में इलेक्ट्रॉन वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल इनको रिपेल करेगा बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल एन रीजन के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पी रीजन के होल को रिपेल करेगा यहां से इलेक्ट्रॉन रिपेल हो रहे हैं इधर यहां से होल इस तरफ रिपेल हो रहे हैं तो क्या होगा इलेक्ट्रॉन और होल जंक्शन को क्रो, यहां से इलेक्ट्रॉन जंक्शन को क्रॉस करेंगे यहां से होल जंक्शन को क्या करेंगे क्रॉस देखिए बैटरी के नेगेटिव ने एन रीजन के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल किया बैटरी के पॉजिटिव ने पी रीजन के होल्स को रिपेल किया क्योंकि होल पर पॉजिटिव चार्ज ये भी पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं क्लियर है तो यहां से इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे यहां से होल इस तरफ आएंगे तो ये जैसे ही जंक्शन को पीएन जंक्शन को क्रॉस करते हैं ये एक दूसरे के साथ रिकम्बाइन हो जाते हैं एक दूसरे के साथ ये क्या हो जाते हैं बेटा कंबाइन हो जाते हैं जुड़ जाते हैं तो जब इलेक्ट्रॉन एन रीजन से जंक्शन को क्रॉस करेंगे और पी रीजन के होल जंक्शन को क्रॉस करते हैं तो ये एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे बेटा कंबाइन कर जाएंगे है जैसे ही इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए तो पी रीजन में एक कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है एनर्जी रिलीज होती है जब इलेक्ट्रॉन और होल जुड़ते हैं ना तो कुछ एनर्जी निकली उस एनर्जी से पी रीजन में एक कोवलेंट बॉन्ड टूटा जब वो कोवलेंट बोन्ड टूटेगा तो उसका होल तो इस तरफ मूव करेगा और इलेक्ट्रॉन जो है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में आ जाएगा साइड से जो इलेक्ट्रॉन था जो कोवलेंट बोन टूटा होल इस तरफ आया और जो इलेक्ट्रॉन था वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आ गया। इलेक्ट्रॉन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर इलेक्ट्रॉन निकला बैटरी के अंदर एंटर किया और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से एक इलेक्ट्रॉन कहां चला गया एन रीजन के अंदर बात समझ में आई है तो शुरू में देखो यहां से एक इलेक्ट्रॉन इधर गया था कम हो गया था अब बैटरी ने एक इलेक्ट्रॉन और इसको दे दिया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोबारा से उतने हो गए यहां पे भी नंबर ऑफ सेम रहेंगे क्लियर है तो इसी तरह से पी रीजन में कौन मूव कर रहा है होल एन रीजन में कौन मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो मेजोरिटी चार्ज कैरियर की वजह से यहां करंट फ्लो करता है और इसी करंट को हम बोलते हैं बेटा फॉरवर्ड करंट क्या बोलते हैं फॉरवर्ड करंट तो फॉरवर्ड बाइसिंग में मेजोरिटी चार्ज कैरियर की मेजोरिटी क्यों बोल रहा क्योंकि पी साइड में होल मूव कर रहे हैं और एन साइड में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं ठीक है एन के अंदर मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन की ही होती है पी में मेजोरिटी होल की होती है तो फॉरवर्ड बाइसिंग में जब मेजोरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट फ्लो करता है तो उसी करंट को हम बोलते हैं फॉरवर्ड करंट क्या बोलते हैं बेटा फॉरवर्ड करंट क्लियर है समझ में आया तो चलिए आप वीडियो को पोज करके बीच बीच में यहां से नोट डाउन कर सकते हैं नोट्स आप चेक कर सकते हैं यहां से जल्दी से नोट करते रहिए क्लियर डेफिनेशन है नोट कर लिया डायग्राम बना लीजिए बना लिया बेटा ठीक है तो अब उसके बाद चलिए जल्दी से आप ये वाला पोर्शन भी नीचे नोट कीजिए वीडियो को पॉज करो और नोट करो क्लियर नोट कर लिया बेटा अब इसके बाद आप यह भी नोट कर लीजिए ठीक है नोट कर लिया जल्दी से वीडियो को पॉज करते रहिए और नोट डाउन करते रहिए उसके बाद आप ये नोट कीजिए यहां से यहाँ तक नोट कीजिए पी एन जंक्शन तक यहाँ से लेकर के पी एन जंक्शन तक जल्दी से नोट कीजिए क्लियर है बेटा नोट कर लिया फिर आप दोबारा एट द अदर एंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल यहाँ से लेकर के यहाँ तक नोट कीजिए ठीक है अच्छा यहां पर देखिए बेटा जो फॉरवर्ड करंट है वो मिली एमपियर में मापा जाता है यहां पर किसमें मापा जाता है मिली एम्पियर में तो यहां तक नोट कर लीजिए क्लियर है नोट किया अब इसके बाद ये यहां से यहां तक ये कंप्लीट हो गया हमारा फॉरवर्ड वाइसिंग अच्छा एक बात और आपने याद रखनी है कि जैसे ही यहाँ पर हम एक चीज नोट करेंगे कि फॉरवर्ड वोल्टेज में थोड़ा सा भी अगर इंक्रीज कर दिया जाए फॉरवर्ड वोल्टेज में थोड़ा सा भी अगर इंक्रीज कर दें तो फॉरवर्ड करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है फॉरवर्ड वोल्टेज तो थोड़ी सी बढ़ाई लेकिन करंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया इसीलिए फॉरवर्ड बाइसिंग में हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस जो है डेपलिशन लेयर का वो बहुत ही कम है रेजिस्टेंस ऑफ द पी एन जंक्शन इज वेरी लो फॉर द फ्लो ऑफ द करंट क्लियर है तो फॉरवर्ड बाइसिंग में रेजिस्टेंस जो है पी एन जंक्शन का वो कैसा है लो इन द फॉरवर्ड बाइसिंग रेजिस्टेंस ऑफ द पी एन जंक्शन इज लो क्यों लो है क्योंकि अगर वोल्टेज में थोड़ा सा भी इंक्रीज करें तो करंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है तो इस यानी कि यहां पर रेजिस्टेंस कैसा है लो है क्लियर है बेटा नोट कर लिया अच्छा अब हम समझते हैं रिवर्स वाइसिंग लेकिन सबसे पहले आप एक काम कीजिए जल्दी से रिवर्स वाइसिंग के ये अंदर ये जो है नोट डाउन करने का आप जल्दी से नोट कर लीजिए अभी समझाऊंगा मैं आपको पहले आप यहां तक नोट कीजिए रिवर्स वाइसिंग में यहां से लेकर यहां तक आपने नोट डाउन करना है क्लियर है बेटा नोट कर लिया आपने तो चलिए अब हम समझते हैं आगे देखिए बेटा रिवर्स बाइसिंग में फॉरवर्ड बाइसिंग का बिल्कुल अपोजिट होता है फॉरवर्ड बाइसिंग, बाइसिंग का टोटली क्या है अपोजिट है कैसे जरा देखिए रिवर्स बाइसिंग में पी साइड को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है और एन साइड को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है क्लियर याद रहेगा पी साइड में पॉजिटिव को सॉरी पी पी साइड को बैटरी के नेगेटिव से और एन साइड को बैटरी के पॉजिटिव से उल्टा जोड़ दिया ना कनेक्शन बिल्कुल उल्टा हो चुका है पहले वाले केस से इसीलिए इसको बोलते हैं रिवर्स बाइसिंग क्या बोलते हैं बेटा इसको हम रिवर्स बाइसिंग है और ये पोटेंशियल बैरियर की हाइट है अच्छा अब जरा आप एक चीज देखिए यहां पर एक्चुअली में क्या है कि रिवर्स बाइसिंग के अंदर मेजोरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट फ्लो नहीं करता रिवर्स में करंट मेजोरिटी चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो नहीं करता देखो जरा अब यहां पर इलेक्ट्रॉन है यहां पर क्या है होल्स यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल है और यहां पर क्या है इलेक्ट्रॉन्स है तो इसमें क्या है जो हमारा मतलब पीएन जंक्शन डायोड है जब इसको रिवर्स बाइस किया जाता है तो मेजोरिटी चार्ज कैरियर आगे क्रॉस लेयर को क्रॉस ओवरटेक नहीं कर सकते और तो इसी वजह से इसमें क्या है मेजोरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट फ्लो नहीं कर सकता लेकिन यहां पर क्या किया है? हमने रिवर्स वाइसिंग में वो बैटरी बहुत हाई वोल्ट की अप्लाई करी है फॉरवर्ड वाइसिंग में तो ये बैटरी जो थी बहुत कम वोल्टेज की थी लेकिन यहां पर यह बैटरी बहुत ही हाई वोल्टेज की है क्लियर है तो हाई रिवर्स बाइसिंग वोल्टेज की वजह से क्या होगा अब कुछ मैनोरिटी कैरियर डेपलिशन लेयर को क्रॉस करेंगे देखो जैसे यहां पर नेगेटिव टर्मिनल है तो नेगेटिव टर्मिनल इसके इसके अंदर देखो पी साइड में ज्यादा तो होल हैं लेकिन थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन भी हैं ठीक है तो यहां से इलेक्ट्रॉन डेपलिशन लेयर को क्रॉस करके जाएंगे और एन रीजन से जो है बैटरी का पॉजिटिव इन होल्स को रिपेल करेगा बैटरी का पॉजिटिव एन रीजन के होल को रिपेल करेगा बैटरी का नेगेटिव पी रीजन के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा जब इलेक्ट्रॉन और होल यहां पर क्या है मेन्योरिटी कैरियर्स हैं, जब मेन्योरिटी कैरियर डेपलिशन लेयर को जंक्शन को क्रॉस करते हैं तो ये दोबारा से एक दूसरे के साथ रिकम्बाइन होते हैं क्लियर है तो अब जो करंट फ्लो कर रहा है वो किसकी वजह से कर रहा है बेटा मेन्योरिटी कैरियर की वजह से ठीक है और इसको बोला जाता है रिवर्स करंट क्या बोला जाता है बेटा इसको रिवर्स करंट या लीकेज करंट बोलते हैं क्या बोलेंगे रिवर्स करंट या फिर लीकेज करंट फॉरवर्ड बाइसिंग में मेजोरिटी कैरियर की वजह से करंट था रिवर्स बाइसिंग में मेन्योरिटी कैरियर की वजह से है क्योंकि पी साइड में मेजर major, मेजोरिटी में कौन है होल है लेकिन मोशन किसका स्टडी कर रहे हैं हम इलेक्ट्रॉन्स का और यहां पर होल्स का तो मेनोरिटी कैरियर की वजह से जब रिवर्स बाइसिंग में करंट फ्लो करता है उसको बोलेंगे रिवर्स करंट या फिर लीकेज करंट क्लियर है अगर रिवर्स वोल्टेज में बहुत ज्यादा इंक्रीज करें तब कहीं जाके थोड़ा बहुत करंट में इंक्रीज होता है तो यानी कि रिवर्स वाइसिंग में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है रिवर्स वाइसिंग में रेजिस्टेंस क्या है बहुत ज्यादा है क्लियर है अच्छा एक चीज और देखिए आप अब ये नेगेटिव टर्मिनल इसका इस तरफ है और इस यहां पर जो बैटरी डेवलप हुई है इसका नेगेटिव टर्मिनल भी इस तरफ है दोनों सेम साइड है नेगेटिव इसका पॉजिटिव भी इस तरह है इसका पॉजिटिव भी इस साइड तो अब जो रिवर्स बाइसिंग में हमने वोल्टेज अप्लाई करी है और जो ऑलरेडी यहां पर डेपलिशन लेयर के अक्रॉस वोल्टेज डेवलप हुई थी वो ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को ये क्या कर रही है ये वोल्टेज इस वोल्टेज को क्या कर रही है सपोर्ट कर रही है जिसकी वजह से डेपलिशन लेयर की विध बढ़ जाती है डेप्लेशन लेयर की विर्थ बढ़ जाती है और डेपलिशन लेयर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो भी बढ़ जाती है देखो जरा बैरियर की वोल्टेज वो पहले कम थी लेकिन जैसे ही हमने इसमें एडिशनल बैटरी भी सप्लाई करी तो क्या हो गया बैरियर की वोल्टेज इंक्रीज हो गई ड्यू टू अब पहले वी बी थी अब कितनी होगी वी बी प्लस वी ठीक है तो रिवर्स बाइसिंग में जो रिवर्स वोल्टेज होती है ये बैरियर की पोटेंशियल को सपोर्ट करती है जिसकी वजह से डेपलिशन लेयर की विड्थ यहां तक होनी चाहिए थी लेकिन अब यहां से इंक्रीज हो चुके और बढ़ चुकी है क्लियर है डेपलिशन लेयर की विर्थ इसमें ज्यादा होती है रिवर्स बाइसिंग में बैटरी जो हमने सप्लाई करी वो भी उसकी वोल्टेज भी क्या होती है ज्यादा होती है फॉरवर्ड के कंपेरिटिवली क्लियर है बेटा आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा और इसमें रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है डेपलिशन लेयर का रेजिस्टेंस जो है बहुत ज्यादा है फॉर द फ्लो ऑफ द करंट रिवर्स बाइसिंग में रेजिस्टेंस ज्यादा है फॉरवर्ड में रेजिस्टेंस कम था क्लियर है बेटा समझ में आया एक बात आपको और याद रखनी है फॉरवर्ड बाइसिंग में हम हाई वोल्टेज की बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं ना और सॉरी रिवर्स में और फॉरवर्ड में हम कम वोल्टेज की बैटरी को कनेक्ट करते थे क्लियर है समझ में आया तो अच्छा जो फॉरवर्ड बाइसिंग है उसमें अप्रोक्सीमेटली वन वोल्ट तक की बैटरी होती थी और रिवर्स बाइसिंग में दस से पच्चीस वोल्ट तक की क्लियर है तो चलिए अब जल्दी से आप वीडियो को पोज करके एक तो आपने पहले डायग्राम बना लीजिए डायग्राम बनाने के बाद आप यहां से लेकर के इन द रिवर्स बाइसिंग यहां से लेकर के यहां तक नोट कर लीजिए रिवर्स बायस्ट तक जल्दी से यहां से यहां तक बेटा आप सारा नोट कर लीजिए क्लियर है बेटा नोट कर लिया तो आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी है, आपने नोट डाउन करना है क्लियर तो ये था बेटा हमारा फॉरवर्ड बाइसिंग एंड रिवर्स बाइसिंग इन केस ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड अब ये यहां पे हमने सेम टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए एक्चुअली बाइसिंग अगर आपसे सिंपल पूछा जाए तो यहीं तक आपने करना है लेकिन इसमें आगे एक इंपॉर्टेंट हम और क्या करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड क्या है नेक्स्ट हमारा करेक्टरिस्टिक ऑफ पी एन जंक्शन डायोड तो ये दो टाइप की कैरेक्टरिस्टिकवर्ड करेक्टरिस्टिक एक रिवर्स करेक्टरिस्टिक एक्चुअली करेक्टरिस्टिक है क्या देखो फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक क्या होती है जब हम फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उससे फॉरवर्ड करंट में जो इनके चेंजेस आते हैं उनके बीच में ग्राफ बनाया जाता है उसी ग्राफ को बोलते हैं फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक क्या है ग्राफ है किसके बीच में फॉरवर्ड वोल्टेज और फॉरवर्ड करंट के बीच में पीएन जंक्शन डायोड में जब फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई करी तो उसमें फॉरवर्ड करंट फ्लो करता है वोल्टेज की अलग अलग वैल्यूज हमने नोट करी उसके कोरस्पॉन्डिंग करंट नोट किया तो इनके बीच में जो ग्राफ बना उसी को बोलेंगे फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक क्लियर है जल्दी से पहले इसको नोट कीजिए आप क्लियर बेटा नोट कर लिया जल्दी से आगे भी नोट कीजिए यहां से यहां तक इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा बेटा अभी डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करूंगा पहले आप यहां से यहां तक नोट कीजिए क्लियर नोट कर लिया तो उसके बाद यहां से यहां तक आपने नोट करना है जल्दी से नोट कीजिए एक्सप्लेन अभी मैं करूंगा आराम से एक्सप्लेन करेंगे लेकिन पहले नोट करते रहिए आप क्लियर नोट कर लिया बेटा अच्छा तो अब चलिए हम समझते हैं सर्किट डायग्राम, जो हमने फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक और रिवर्स करेक्टरिस्टिक को स्टडी करना है उसके लिए डायग्राम है देखिए पहले बैटरी का सॉरी डायोड का पी टर्मिनल पी साइड बैटरी के पॉजिटिव के साथ एन साइड नेगेटिव के साथ तो फॉरवर्ड बाइसिंग हो गई अब इसमें वोल्टेज को मापने के लिए एक वोल्ट मीटर लगाया गया है करंट मापने के लिए मिली एमीटर कनेक्ट किया गया क्या कनेक्ट किया गया बेटा मिली एमीटर बस ठीक है और यहां पे एक रियोस्टेट है ठीक रियोस्टेट हमारे पास पोटेंशियल डिवाइडर का, का काम कर रहा है किसका काम करता है पोटेंशियल डिवाइडर का पोटेंशियल को यानी कि डिवाइड करता है अब यहां से क्या किया रियोस्टेट की हेल्प से यहां इसके अक्रॉस वोल्टेज को बढ़ाया गया धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाएंगे और वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट भी बढ़ेगा ठीक है जैसे वोल्टेज इंक्रीज होती है तो करंट भी इंक्रीज होता है फिर उनके बीच में हमने ग्राफ बनाया तो वो ग्राफ बेटा कुछ इस तरीके से आया ग्राफ देखिए कुछ इस तरीके से आया क्लियर है तो इसी ग्राफ को बोला जाता है फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक्स क्या बोला जाता है बेटा इसको फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्लियर है पीएन जंक्शन डायोड की फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक अब जरा इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं देखिए जरा जैसे शुरू में एकदम से हमने वोल्टेज को इंक्रीज किया वोल्टेज इंक्रीज करने से शुरू में करंट में कोई इंक्रीज नहीं आया लेकिन कुछ टाइम के बाद वोल्टेज इंक्रीज होने से करंट में थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया एज द फॉरवर्ड वोल्टेज इंक्रीज द फॉरवर्ड करंट ऑल्सो इनक्रीज क्लियर है तो एकदम एक से इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद वोल्टेज के बाद पर्टिकुलर वोल्टेज आने के बाद करंट एकदम से इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया तो जिस वोल्टेज के बाद करंट ने एकदम से इंक्रीज करना शुरू किया उसी करंट को हम बोलते हैं सॉरी उस वोल्टेज को हम बोलते हैं बेटा नी वोल्टेज ये जो वोल्टेज है जिस वोल्टेज के बाद फॉरवर्ड करंट एकदम से रैपिडली इंक्रीज करना शुरू हो गया उस फॉरवर्ड वोल्टेज को बोला जाता है नी वोल्टेज क्या बोलते हैं बेटा नी वोल्टेज के एन डबल ई यहां पर लिखा हुआ नी वोल्टेज या फिर थ्रेश्ड वोल्टेज भी बोला जाता है इसको या फिर कट इन वोल्टेज नी वोल्टेज थ्रेश वोल्टेज या कट इन वोल्टेज क्लियर है बेटा समझ में आया अच्छा अब देखिए जरा इस वोल्टेज के बाद एकदम से वोल्टेज ने करंट ने इंक्रीज किया लीनियरली इंक्रीज किया लेकिन इससे पहले करंट बड़े धीरे धीरे से बढ़ रहा था और नॉन लीनियरली बढ़ रहा था कैसे बढ़ रहा था नॉन लीनियरली लेकिन नी वोल्टेज के बाद ये लीनियरली बढ़ना एकदम से इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया इसने क्लियर है तो ये थी आपकी बेटा फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्लियर है आई होप कि आपको बेटा ये समझ में आया होगा अच्छा अब यहां से पहले आप जल्दी से इस डायग्राम को भी नोट डाउन कर सकते हैं क्लियर है बेटा नोट कर लिया तो अच्छा अब हम समझते हैं कुछ कंक्लूजन यहां से क्या रिजल्ट निकला देखिए वोल्टेज और करंट के बीच में जो ग्राफ आया वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है तो इसका मतलब डायोड ओम्स स्ला को ओबे नहीं करते किस ला को ओबे नहीं करते ओमस्ला को इसीलिए इनको बोला जाता है नॉन ओहमिक डिवाइस क्या बोलते हैं इनको हम नॉन ओहमिक डिवाइस क्लियर है और अच्छा देखिए यहां पर नी वोल्टेज से पहले रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा था नी वोल्टेज के बाद रेजिस्टेंस कम हो गया क्योंकि करंट बढ़ना शुरू हो गया एकदम से तो यहां पर रेजिस्टेंस घट गया अब यहां रेजिस्टेंस ज्यादा था ठीक है तो ये यह हमने यहां से कंक्लूजन निकाल ली और ये दो पॉइंट हमने यहां पर लिखे हैं क्लियर है फिर हम समझते हैं बेटा रिवर्स करेक्टरिस्टिक्स क्लियर है तो रिवर्स करेक्टरिस्टिक के बारे में पहले तो जो भी आपका रिटर्न मैटर है वो आप यहां से चेक कर सकते हो यहां से लेकर के यहां तक आप जल्दी से बेटा नोट कर लीजिए यहां तक ठीक है बेटा नोट कर लिया आपने ओके तो अभी आप फिर यहां से यहां तक फिर नोट डाउन कर सकते हैं जल्दी से इसको हम एक्सप्लेन करेंगे अभी क्लियर है नोट किया बेटा अच्छा अब आता है इसका डायग्राम ये रहा सर्किट डायग्राम और ये रही रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक और ये क्या है रिवर्स करेक्टरिस्टिक को स्टडी करने के लिए जो हमने डायग्राम की जरूरत है वो ये है क्लियर है अच्छा अब बिल्कुल वैसे यह डायग्राम बस कनेक्शन अपोजिट हो गया जहां बैटरी का पॉजिटिव होता था वहां नेगेटिव आ चुका है क्लियर है ना तो अब देखिए जरा बेटा इसमें क्या है रिवर्स बाइसिंग के अंदर जै पहले तो हमने वही सेम रिवर्स वोल्टेज चेंज करी और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो करंट आया उसको हम नोट करते रहे फिर हमने उनके बीच में ग्राफ बनाया इसी ग्राफ को बोला जाता है रिवर्स करेक्टरिस्टिक क्लियर है तो क्या ऑब्जर्वेशन हुई रिवर्स बाइसिंग के अंदर रिवर्स करंट बहुत स्मॉल था रिवर्स करंट क्या था बहुत ज्यादा स्मॉल जिसको बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट क्या बोलते हैं बेटा इस करंट को हम रिवर्स सैचुरेशन करंट अगर रिवर्स बाइसिंग वोल्टेज एक पर्टिकुलर वैल्यू पर पहुंच जाती है ये वोल्टेज एक पर्टिकुलर वैल्यू पर आई इसके बाद एकदम से रिवर्स करंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया रिवर्स करंट एकदम से क्या हो गया बेटा बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया देखिए शुरू में बहुत धीरे से धीरे से करंट ऑलमोस्ट कौनसेंट था बहुत थोड़ा सा करंट फ्लो कर रहा था वोल्टेज बढ़ती जा रही थी करंट पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था लेकिन कुछ टाइम के बाद सडनली क्या हुआ कि रिवर्स वोल्टेज एक पर्टिकुलर रिवर्स वोल्टेज आने के बाद रिवर्स करंट एकदम से इंक्रीज हुआ बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ तो उस रिवर्स वोल्टेज को हमने नाम दिया ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या नाम दिया बेटा इसको इंक्रीज कर जाए उस वोल्टेज को बोलेंगे रिवर्स वोल्टेज रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या बोलते हैं बेटा रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज क्लियर है बेटा समझ में आ चुका होगा आपको अब क्या हुआ एक्चुअली यहां पर जब हम रिवर्स वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज पर पहुंचे ब्रेकडाउन वोल्टेज पर पहुंचते ही एकदम से बहुत सारे कोवलेंट बोन टूटेंगे बहुत सारे कोवलेंट बोन टूटे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट हुए उसकी वजह से लार्ज करंट फ्लो करेगा तो एकदम से करंट इंक्रीज किया अब वोल्टेज में थोड़ा सा भी इंक्रीज करो अब वोल्टेज चेंज नहीं हो रही है वोल्टेज नहीं बढ़ेगी केवल क्या बढ़ता जा रहा है अपना करंट बढ़ता ही चला जा रहा है वोल्टेज तो देखो ये बड़ी नहीं है लेकिन करंट कितना इंक्रीज हो चुका है क्लियर है तो ये थी हमारी रिवर्स क्लियर है बेटा आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा अब उसके बाद आप जरा ये भी नोट कर लीजिए डायनामिक रेजिस्टेंस क्या होता है चेंज इन वोल्टेज बाय चेंज इन करंट क्लियर है तो इसको बोलते है डायनेमिक रेजिस्टेंस या एसी रेजिस्टेंस ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड क्लियर है बेटा नोट कर लिया तो ठीक है बेटा मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे